मम्मीज किचन। पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मैं बनाने वाली हूँ दिवाली स्पेशल स्वीट्स। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बच्चों को, बड़े को, सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये जो हमारा मिठाई है वो 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। अगर आपने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है तो ये बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। और इसे बिना गैस जलाए बनाना है, बिना घी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना किसी चीज के, तो आराम से मिठाई बनेगी। आप सोच रहे हो मिठाई बनेगी किसकी, तो बस वही आपको देखना है वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये आपकी बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाएगी और खाने में ये सुपर टेस्टी लगेगी और मुश्किल से 10 से 15 मिनट। तो सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है, तो आप इसको पूरा देखना और इसे जरूर ट्राई करना। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोल डिलाइट बनाने के लिए मैंने लिया है ओरियो का पैकेट। ये बड़ी साइज वाले ओरियो के पैकेट है और ये मैंने 5 पैकेट लिए हैं। और हमें अब इस बिस्किट से क्रीम को अलग करना होगा, तो सारे क्रीम को हम आराम से निकाल लेंगे। इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये आराम से निकल जाता है, आप देख सकते हो। और ये बहुत टेस्टी लगती है, कोई कह नहीं सकता कि आपने ओरियो की बिस्किट का ये मिठाई बनाया है। सबसे अच्छी बात, इसके लिए ना आपको गैस जलाना है, ना मावा का यूज़ करना है, ना घी का यूज़ करना है, ना मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही टेस्टी सी ये स्वीट बनेगी, तो आप देखिएगा, आप सबको भी पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी करिएगा। तो ये देखिए, ऐसे ही करके क्रीम को निकाल लेना है और बिस्किट का हम अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो आप मिक्सर में डाल के इसे ब्लेंड कर दें, पाउडर बन जाएगा। आप 2 से 3 बार अच्छे से उसको चम्मच से घुमा घुमा करके पाउडर बना लें। और हम इसे दूध से गूंथेंगे, मतलब हमें इसे जो मलाई होता है, मलाई और दूध को छान लेना है, तो मलाई निकल जाती है उसमें से आराम से, और वैसे मलाई वाले मिल्क से इसे गूंथना है। तो हम इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे और ये आराम से गुद भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिकी और ऑयली तो ये होता पहले से ही है, तो इसे अच्छे से गूंथना है। तो देखिए हमारा डो तैयार है, बिल्कुल शाइनी शाइनी सा, अच्छा सा। और अब जो हमने क्रीम साइड करके रखा हुआ था उसमें हम डालेंगे बिल्कुल फाइन चॉप कटा हुआ काजू 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ता और नारियल का बुरादा एक मीडियम साइज की कटोरी से भर के। और केसरी फूड कलर, इससे क्या है, इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। और आप केसर भी डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो, इलायची भी डाल सकते हैं, आपको जो डालना हो डाल सकते हो। और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल के बुरादे, आप ना भी डालना चाहो तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑप्शनल है। अब हम इसे अच्छे से गूंथेंगे, तो इसे भी हम, अगर ये ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके हम इसे भी, इसका डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये गीला नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर गीला अगर आपको लगा तो आप नारियल का बुरादा थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए इसका भी डो तैयार हो गया है, बिल्कुल सही है ये। और अब हम लेंगे चॉपिंग बोर्ड, और चॉपिंग बोर्ड पे मैं इसे अच्छा सा रोल बनाऊंगी, बिल्कुल हाथों से, हल्के हाथों से प्रेस कर करके इसका रोल बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ही रोल बनाना है। तो इसमें जो काजू बादाम है उनका देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर दिख रहा है, बीच बीच में दिख रहा है आपको। तो ऐसे ही रोल बनाकर हम इसे तैयार कर लेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा रोल तैयार है। अब हम फॉइल पेपर लेंगे, जिसमें हम घरों में खाना वगैरह पैक करते हैं, टिफिन पैक करते हैं, वही वाला फॉइल पेपर है ये। तो हम इसे लेंगे और इसमें अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा लेने के बाद इसमें जो हमने बिस्किट का डो तैयार किया था उसे रखेंगे, ये देखिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्रैक आ रहे हैं, ये तो कैसा दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है, आप फिंगर की हेल्प से इसे सही कर लेंगे। और ऊपर से भी एक फॉइल पेपर ले लेंगे हम और हाथों से प्रेस करके फिर बेलन की हेल्प से इसे हम स्प्रेड करेंगे, अच्छे से बड़ा सा फैलाएंगे। बहुत मोटा नहीं चाहिए, बिल्कुल पतला भी नहीं चाहिए, मीडियम थिकनेस होनी चाहिए इसकी।
तो ये देखिए ऐसे ही इसे फैला लेंगे। फिंगर की हेल्प से आप भी इसके क्रैक्स को सही कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही सारे क्रैक्स को सही करने हैं। ये सही हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको सही करने में। और अब जो हमने अपना केसरी रोल बनाया था उसे इसके ऊपर रखेंगे। और इसे हम धीरे धीरे से हाथों से प्रेस करते हुए रोल करेंगे, जिससे जो हमारा बिस्किट का जो डो है वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक होते हुए जाए। और बिल्कुल फिंगर की हेल्प से प्रेस करते करते टाइटली एकदम से हमें इसे रोल बनाना है, कहीं भी गैप नहीं आनी चाहिए इसमें। तो ये देखिए रोल तैयार हो गया। इसे अच्छा इसे हाथों से ही थोड़ा सा राउंड राउंड करके शेप में दे देंगे। तो ये देखिए अब हमें इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ऐसे ही। अब हम एक पैन लेंगे और पैन गर्म होने के बाद उसमें हम पॉपी शीट्स डालेंगे, पॉपी शीट्स या खसखस भी इसे बोलते हैं। और इसे हमें 2-3 मिनट्स के लिए रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए ये हमारा रोस्ट हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब 2 घंटे बाद हम फ्रिज से रोल को बाहर निकालेंगे और इस पे से फॉइल पेपर को हटा देंगे। ये देखिए बिल्कुल ये सेट हो गया है। अब जो हमने पॉपी शीट को रोस्ट किया था उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और रोल को अच्छे से उसके ऊपर अच्छे से राउंड राउंड करके लपेट लेंगे। पॉपी शीट की कोटिंग अच्छे से रोल के ऊपर करनी है, पूरा वो ढक जाएगा उससे। ये देखिए हमारी कोटिंग हो गई है। अब साइड का जो पोर्शन है उसे हम काट कर हटा देंगे ताकि हम रोल को अच्छी फिनिशिंग दे दें। तो ये देखिए अब हमें बहुत ही सेफ्टी से इसे दबा दबा कर कट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टूट भी सकता है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह अंदर है इसमें। तो आप इसे फिंगर की हेल्प से दबा दबा के बिल्कुल कट करें। दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करेंगे और ये कट जाएगा। तो ये देखिए जैसे ये कट कर रही हूं मैं वैसे ही आपको भी करना है, ये कट जाएगा, बस आप सेफ्टी से थोड़ा इसे काटिएगा। कहीं ये आपको बिगड़ा हुआ है ऐसा कुछ लगा तो आप फिंगर के हेल्प से इसे सही कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही हम रोल्स को कट कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगेगी, आप जरूर इसे ट्राई करिएगा और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, उन्हें पता चलेगा तो एक कप फिनिश हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हम सारे रोल, तो ये देखिए हमारी रोल डिलाइट स्वीट सर्व करने के लिए तैयार है। अब क्या ये कहीं से भी लग रही है कि ये ओरियो बिस्किट की बनाई हुई स्वीट है? नहीं, तो जब आप बताएंगे तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और देखने में तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो ये देखिए आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।